बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यार बहन भाई, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज हम बना रहे थे आलू वाले पराठे, और पराठे बना रहे थे और सुबह सुबह आज मशीन लगाई थी। आज संडे था और बच्चों को आज छुट्टी थी, तो कल ये मैं सब्जी लेके आई थी। मेथी तो नहीं लेके आई थी, हरी धनिया और आलू लेके आई थी। आज सही मौसम था, आज धूप निकली हुई थी। मैंने कहा मैं मशीन लगा लेती हूँ, पहले सुबह सुबह कपड़े धो लेती हूँ, बाद में नाश्ता बनाऊंगी। अब बच्चे भी अब उठ रहे हैं, मरूस तो अभी सो रही थी, अभी उठी है। जैनब सुबह की उठी थी और हम लोग भी सुबह से उठे हुए थे। और जो हसनैन आसान था वो भी सुबह सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 5:30 बजे 6 बजे। और मैंने कहा बाद में नाश्ता बनाऊंगी, बच्चों को गरम गरम नाश्ता दूंगी, वो ठंडा हो जाए नाश्ता तो अच्छा नहीं लगता। फिर जो रोटियां होती हैं वो बच जाती हैं, बच्चे खाते भी नहीं हैं दोपहर को। अब तो दिन छोटे हैं ना, इस वजह से। बच्चों की अपना यूनिफॉर्म इतना ज्यादा गंदा हो जाता है। कल से मैंने स्वेटर डाली हुई थी, मैंने कहा मुझे तो बहुत ठंड लगती है। और अब मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता, आलू वाले पराठे, उसका मसाला बना रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। सिंपल सा मसाला बनाऊंगी बच्चों के लिए, ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं डालूंगी। बस मेरी छोटी सी फैमिली है, ये जो मरूश है ना उसे बहुत पसंद है आलू वाले पराठे। जैनब तो मेरी काम ही खाती है, वो नहीं खाती ज्यादा आलू के पराठे। मरूश को जिस दिन छुट्टी होती है वो ही फरमाइश करती है। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं ना छोटी सर्दियाँ आ गई है ना, वो हाथ पाँव भी ज़्यादा गंदे हुए पड़े हैं, ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और मैंने कहा आज थोड़ा स्किन पॉलिश कर लेती हूँ और वाइटनिंग वाले कैप्सूल ले आऊँगी, थोड़ा वो लगाऊँगी, थोड़ा हाथ पाँव साफ हो जाएंगे, चेहरा भी। आज कितने दिन हो गए हम तो पार्लर पर नहीं जाते ना। मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं बना सकी और मेरी अपनी तबीयत खराब थी पहले, और मेरे जो बड़ा बेटा है और मोहम्मद हसनैन के, उन्हें से पहले बुखार आता रहा। वो जैसे उसका बुखार थोड़ा ख़त्म हुआ तो उसकी ना टांग में दर्द होने लग गया, वो ना नहीं चल भी नहीं सकता था, रोता था, वो दूध नहीं पीता था। जैसे उसको फीटर देते थे तो अपना फीटर भी वो फेंक देता था। तो अब थोड़ा माशाल्लाह से, हम रात को भी हम दवाई लेके आए थे, अब माशाल्लाह थोड़ी सी उसकी तबीयत सही है। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ।
मैंने कहा हमारे जो देखने वाले हैं वो कहेंगे कि पता नहीं कहाँ। अब मेरी जैनब की तबीयत खराब है, मेरी वो जैनब है ना उसका जो होट है वो फट गया है, ये वाली जगह वो इतना ज्यादा खराब हुआ पड़ा है। और जैनब कहती है कि अम्मी जो आलू वाले पराठे बना रही हूँ उसमें ना मिर्चे काम डालना। बेटा अच्छा बेटा, उसको बस वो ना सिफारिश करने आ गई थी, उसकी जो फरमाइश है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये मेरा आलू वाला पराठा बन के तैयार हो चुका है बच्चों के लिए, और किस किस को आलू वाले पराठे पसंद है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। किस किस को आलू वाले पराठे पसंद है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और मेरे बच्चों को तो फेवरेट है मेरे बच्चे के। अच्छा जी me।